SMS ban, Umar Abdullah sahab. Telephone ban, Umar Abdullah sahab. Cable TV, local TV ban, Umar Abdullah sahab. इनकी माइक बैंड हो गई, बवाल मच गया। क्या इनको एहसास नहीं है उस वक्त लोगों पे क्या बीतती होगी? उमर अब्दुल्ला साहब जवाब दो। डाउनटाउन के लोगों का हाल पूछिए ना, डाउनटाउन के लोग तो इनकी हुक्मरानी, इनके दौर इक्तदार में घर से बाहर नहीं निकल सकते। जम्मू कश्मीर फतेह हो गया नेशनल कॉन्फ्रेंस को, या जम्मू कश्मीर में अब सर छुपाने की जगह नहीं बची, ये लद्दाख चलने लगे। और इक्तदार जो उमर अब्दुल्ला का था, उसमें जो मुसीबत और अजाब इन्होंने लोगों को किया, उसका 5% माइक छीन ली गई लद्दाख में, कितना इनको बुरा लगा। मुझे लगता है मेरा भी इस पे सवाल उमर साहब से होगा कि क्या आप डाउनटाउन के लोगों का हाल पूछिए ना, डाउनटाउन के लोग तो इनकी हुक्मरानी, इनके दौर इक्तदार में घर से बाहर नहीं निकल सकते थे। क्या उमर अब्दुल्ला साहब को वो पता नहीं है? मुझे लगता है उनको चाहिए डाउनटाउन से एक डेलीगेशन बुलाए और उनको पूछे कि जो इनका दौर इक्तदार 6 साल का था, उनको क्या क्या मुसीबतें देखनी पड़ी। वो तो जब डील होती थी कर्फ्यू की, तब वो शाम को अपने घुटनों के लिए चलने के लिए बाहर निकलते थे, वो भी उनका हक नहीं था। और मुझे ये बात समझ नहीं आता है, लद्दाख में न कोई असेंबली है, लद्दाख में न कोई इलेक्शन है, क्या जम्मू कश्मीर फतेह हो गया नेशनल कॉन्फ्रेंस को, या जम्मू कश्मीर में अब सर छुपाने की जगह नहीं बची, ये लद्दाख चलने लगे। चीन वीन बड़े मसले हैं। हाँ, हुकूमत हिंद से मैं ये गुजारिश करूँगा कि जो उमर अब्दुल्ला ने श्रीनगर शहर और कश्मीरियों के साथ किया, इनको इनके दौरे इक्तदार जो उमर अब्दुल्ला का था, उसमें जो मुसीबत और अजाब इन्होंने लोगों को किया, उसका 5% माइक छीन ली गई लद्दाख में, कितना इनको बुरा लगा। इनको एक एहसास होना चाहिए, लेकिन ठीक बात नहीं है, नहीं करना चाहिए था जिसने भी ये किया वहां उनके साथ। लेकिन इनके दौरे इक्तदार का चट्टा बट्टा खोलिए ना, इनके दौरे इक्तदार में तो जितना अजाब शहर खास के उन गरीबों के साथ हुआ है जो 2 कमरों में बैठते थे, जिनको गर्मी में पावर नहीं होता था और उनको पूरा दिन कर्फ्यू में बिठाया जाता था। ये कहां चीन की बात कर रहे हैं और कहां लद्दाख की बात कर रहे हैं, जिससे कोई वास्ता नहीं, जहां कोई इलेक्शन नहीं, जहां कोई असेंबली नहीं। क्या सारी स्टेट फतह हो गई जम्मू में, इन्होंने कैंपेन क्लोज कर ली? लद्दाख की बात करते हैं, कौन जाएगा लद्दाख आज? यहां तो जिन्होंने लद्दाख को यूटी बनाया, मुझे लगता है बीजेपी भी वहां कैंपेन नहीं करने जाती है, लेकिन उमर अब्दुल्ला साहब पहुंच जाते हैं। अब इनका खुश मिजाजी, घूमने चले जाते हैं, शायद उसके साथ एक पॉलिटिकल फंक्शन रख लिया, तो उसको भी अगर उस घूमने में भी पॉलिटिक्स करना चाहते हैं, ये गलत है। मैं कश्मीरियों की तरफ से, बिलखसूस शहर खास की तरफ से, जो शहर खास 8 थाने हैं, उन 8 थानों के अंदर जो अजाब और मुसीबत इनके दौरे इक्तदार में लोगों को उठानी पड़ी, उसकी सजा उमर अब्दुल्ला भुगत रहा है, उसकी सजा नेशनल कॉन्फ्रेंस बुक दे की। और यही 8 थाने, खानियार हो, ईदगाह हो, जड़ीबल हो, यही 8 थाने, रैनावारी हो, ये 8 थाने जवाब देंगे, ये 8 थाने बाहर निकलेंगे, इनके लोग बाहर निकलेंगे, इस इलाके के लोग बाहर निकल के उमर अब्दुल्ला को जवाब देंगे कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के दौरे इक्तदार में जो अजाब हुआ है उसकी सजा मिलेगी। और मुसलमान होने के नाते हमें यह भी पता है, बद्दुआ भी हो सकती है, कम अजाब और कम कत्ल गारत तो इन्होंने नहीं किया। मुझे यह समझ फिर नहीं आ रहा है कि लद्दाख में जहां असेंबली नहीं, लद्दाख में जहां पार्लियामेंट इलेक्शन नहीं, लद्दाख क्या करने, करगिल क्या करने गए थे ये? इनका कौन सा फंक्शन था कि ये बर्फ देखने गए थे, सीजन की पहली बर्फ? खुश मिजाज इंसान है, इनहेरिट की है पॉलिटिक्स, राजशाही कर रहे हैं, इनको राजशाही के आदात भूले नहीं, राजशाही करने करगिल गए थे।